नहीं थी। छक्का बोलते छक्का छक्का छक्का। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आज पहला वैशाख है, बंगाली में पहला वैशाख बोलते हैं। उसका मतलब होता है कि पहला मतलब पहला, और वैशाख का तो पता ही है वैशाख ही है। तो आज नव वर्ष है, मतलब इन शॉर्ट नव वर्ष है। तो आज क्या होता है कि हमारे गांव के जो वैष्णव लोग हैं वो आएंगे, कुछ पूजा अर्चना कुछ करेंगे यहाँ पर, मतलब हमारे घर पे। तो उनके लिए मिठाई लाने जा रहा हूँ, दुकान जा रहा हूँ अभी, मतलब जस्ट उठाऊँ मैं, ब्रश तक नहीं किया, उठाऊँ मतलब मुझे उठा के अभी भेज रहे हैं बाहर। तो जा रहे हैं, मिठाई वगैरह सब लेके आएंगे। ठीक है, शायद खान रसगुल्ला पस्ता कर दे तो तो ले लिया मिठाई, 300 रुपए का। सुबह सुबह 300 रुपए का चूना लग गया। ये चूना नहीं, ऐसा नहीं बोलते, मतलब वैष्णव लोगों के लिए है तो चूना लगाना ऐसा नहीं बोलते, सॉरी। अब निकलते हैं घर। टन टन गाइस, कैसा लग रहा हूँ? मस्त ना। पापा नहीं है, कहीं गए हैं बाहर, तो दुकान मुझे ही संभालना है। पता है क्या है, इस तरफ से आलू घुसेगा, उस तरफ से सोना निकलेगा। चावल, मतलब चावल और गेहूँ जो उन सब का जो पाउडर होता है ना, ये उसका जो मशीन है। तो अभी ये चल रहा है, मतलब चलाया मैंने अभी, तो ये हालत हुआ है मेरी। तो होता क्या है कि यहाँ सारे के सारे कहाँ पे, अरे कहाँ पे भैया, यहाँ सारे के सारे जो कनेक्टर वगैरह हैं, मतलब कनेक्टर नहीं कंट्रोलर हैं, ठीक है। और ये कंट्रोलर जुड़ा हुआ है इस मोटर से, जुड़ा हुआ है इस मोटर से, सारे के सारे कंट्रोलर जुड़े हुए हैं। और ये मोटर जोड़ता है इस चक्की को, इस चक्की पूरा का पूरा, ये देखो यहाँ पर पूरा का पूरा जो रॉड लगा हुआ है, ये पूरे के पूरे चक्की है यहाँ पर, ये चक्की इसको ये घुमाता है, मतलब इसको ये घुमाता है। और ये वाला जो चक्की है ये यहाँ आके जुड़ता है इस मशीन में, ये चक्की पीसिंग वाला मशीन है जो, मतलब जेल वगैरह में होता है ना चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, तो ये वो तो सारे कैदी करते हैं, इंसान करते हैं ना, ये मशीन अपने आप ही कर लेता है। तो काम तो मेरा अभी हो गया, अभी सब ऑफ करते हैं, ठीक है। अभी हो गया काम, अभी घर जाएंगे, खाना खाएंगे, आएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है आगे। गाइस पहुंच गए बुआ के घर, याद है होली के दिन बोला था बुआ के घर आएँ, उसी बुआ के घर आएँ। लेकिन यहाँ पर गर्मी के मौसम में दिन में इसका रेटिंग 0 है, क्योंकि भाई बहुत गर्मी है और आसपास कोई घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब एक बंजर ज़मीन पे ये बनाया गया ऐसा कुछ फील हो रहा है। हवाएं एकदम गर्म, ताज़ी ताज़ी गर्मी हवा, मतलब गर्म हवाएं ताज़ी ताज़ी आ रही है। और रात को भाई बढ़िया है, एकदम फ्री। रात को क्या होता है कि यहाँ आसपास के जो नमी है, हवा में जो नमी है, वो नमी क्या होता है कि ठंडा हो जाता है, तो ठंडी हवाएं लगती है तब, तो इवनिंग के बाद ठंडी हवाएं लगती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसका दोनों, दिन में रेटिंग है 0, और अगर नाइट की बात करें तो भाई एकदम थम्स अप, बहुत बढ़िया है। तो अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, दिन में आए हैं तो उस हिसाब से घर के अंदर नहीं बैठ सकते, तो यहाँ पर पेड़ पौधे के नीचे, यही तो है खासियत हमारा, मतलब गांव के जो लोग हैं उनका यही खासियत है। घर पे क्या होता है कि पेड़ पौधे ज़रूर होते हैं, और थैंक यू उस घर वाले जिसने ये पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए हैं। इसके नीचे अभी ठंडक मिल रही बहुत, हाँ सुकून, गर्मी में यही तो चाहिए। अभी देखो घर पे मेरा नेट नहीं चलता, कोई बात नहीं, नेट थोड़ी चाहिए जीने के लिए, ठंडक चाहिए, नेट तो बस साइड बिजनेस है भाई, ठीक है ना। तो मिलते हैं आगे, यहाँ पर एक्चुअली लंच के लिए आए हैं, लंच करके खिचड़ी होता है, खिचड़ी पता ही है, तो वो खिचड़ी है, लंच के लिए आए, लंच करने आए हैं, तो लंच करके चले जाएंगे घर वापस, ठीक है। तो बने रहिए। আমি মাতছি
जीत गए लूडो में, जीत गए, जीत की पार्टी खिचड़ी है। तो गाइस लंच वगैरह सब कर लिया, खिचड़ी खाना सब हो गया कंप्लीट। तो जैसे कि मैंने बताया था सुबह, आज क्या है, पहला वैशाख, मतलब क्या है पहला, तो मतलब पहला दिन है वैशाख का, तो आज वो दिन है। और हमारे गांव पे क्या होता है कि भ्रमण के लिए निकलते हैं सब वैष्णव लोग जो होते हैं ना, वो भ्रमण के लिए गांव में निकलते हैं। और अभी यहाँ आएंगे, तो जब आएंगे यहाँ पर तो दिखाते हैं कि कैसा वो लोग, मतलब वो लोग आके क्या करते हैं क्या नहीं, दिखाते हैं आपको कि क्या होता है क्या नहीं, परंपरा क्या है वो दिखाते हैं, ठीक है। ज़्यादा ही बिजी लग रहे हैं। चलो हाय बोल दो सबको, हाय बोल दो बेटा, हो गया सब जा रहे हैं। पहला टीम तो चला गया, अभी दूसरा टीम आने वाला है, वो दूसरा टीम आ रहे हैं। बहुत थकान के बाद अब जाके राहत की जगह पे आए हैं, मतलब घर, यही सबकी आखिरी, मतलब जो मंजिल है ये घर ही है। तो सब कुछ ख़त्म हो गया, एनर्जी भी ख़त्म हो गया, अब आए घर पे। अबे लाइट ऑफ कर, सॉरी ऑन कर। तो गाइस हमारा बिजनेस देख लो कुछ ऐसा है, 20 रुपये का काम हुआ है एक का। घर पे सोए थे बेचारे, मतलब गर्मी की वजह से सब सोए थे और सोच रहे थे काम धंधा तो कुछ है नहीं, तो नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। तो कॉल आ गया, 20 रुपये का जो था ना बंदा कस्टमर, कॉल आ गया, भैया 20 रुपये का जो सामान है वो भोग लगवाना है, पूजा करना है ना, भोज लगवाना है, तो प्लीज़ आ जाओ यार कैसे भी करके। तो हमने ह्यूमैनिटी दिखाते हुए चलो ठीक है आ जाते हैं। मैं यहाँ गर्मी में वेट करते करते 1 घंटा हो गया है, वो बंदा मतलब पता ही नहीं वो बंदा कहाँ है।
तो अभी दुकान क्लोज कर रहा हूँ, वो आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक है फिर, उससे पहले इंट्रो दे देते हैं मतलब दुकान का। चलो कुछ तो फ़ायदा होगा, मतलब आप लोगों के साथ कुछ तो शेयर कर पाऊँगा। ठीक है तो इंट्रो दे देते हैं दुकान का। ठीक है तो जैसे कि बात करते करते मैं पीछे आ गया, तो यहाँ तक एंड है। ठीक है पीछे का गेट ये है और ये हमारा ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल का पानी यहाँ से आता है, हम ट्यूबवेल का पानी डायरेक्ट पीते हैं। और ये सारे के सारे मतलब लोहे का सामान ही अंदर पड़ा हुआ है, कचरे की तरह मतलब पड़ा हुआ है। इनमें से कभी कभार ही कुछ काम में आता है। ठीक है और ये वाला जो चक्की पीसिंग का जो मशीन है ना, ये पता नहीं क्यों लाए थे पापा, अभी इंस्टॉल नहीं किया इन्होंने। और ये वाला जो है लेद मशीन है, इसका जो बड़ा वाला साइज़ है ना वो सामने की तरफ है, तो ये छोटा वाला है, ये पहले लाया गया था। ये गया पीछे का जो रूम है वो गया, यहाँ भरा हुआ है कचरा स्टोर रूम टाइप का। ये वाला तो ड्रिल मशीन है, पता तो होगा ही, ड्रिल ये वाला जो घूमता है ड्रिल करता है। और ये वाला ऑयल निकलता है, जैसे मूंगफली का ऑयल जो होता है ना, वो मूंगफली इसके अंदर डालना पड़ता है, यहाँ डालना पड़ता है मूंगफली, और ऑयल वाला मतलब सब ऑयल नीचे से निकलता है। और बस मूंगफली के लिए नहीं है, जिस भी फ्रूट्स का ऑयल वगैरह जो भी निकालना होता है वो इसी से होता है। और ये एक चक्की पीसिंग वाला है, ये हल्दी पीसता है बस, ये हल्दी के लिए। और इस तरफ आटा चावल, और ये रहा लेद मशीन बड़ा वाला, और ये रहा वेल्डिंग मशीन, उसके ऊपर हैंडमेड वाला क्या बोलते हैं स्टेबिलाइज, क्या बोलते हैं उसको स्टेबिलाइजर समथिंग। हाँ बहुत गर्मी लग रही है भाई, काम नहीं है, बस घूम रहा हूँ आर पार, ये गर्मी है तो सोचो काम करूँगा तो कितना गर्मी। लाइट्स करते हैं ऑफ। ठीक है सब कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, घर जाके दिखाते हैं सब कुछ, मतलब घर जाके फिर मिलते हैं। आ गया घर, और अभी फ़ैन ऑन करना है, कूलर ऑन करना है, नहीं फ़ैन अभी रहने देते हैं, कूलर ऑन करना है, ठंडी हवा खाऊंगा और आराम से मूवी देखूंगा। नहीं मूवी नहीं, एडिट करना है, जितना मतलब कंटेंट बनाया ना एडिट करना है, तो एडिट करते हैं और फिर मिलते हैं। और एक बात, हाँ फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक और सारे के सारे अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, बस यही चाहता हूँ। तो ठीक है नव वर्ष की शुभकामनाएं, बधाई हो, और क्या बस यही। ठीक है फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।